खेसारी और विशाल ने एक हफ्ते में काफी अच्छा बॉन्ड बना लिया था। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे, लेकिन जब खेसारी लाल यादव घर से बेघर हुए तो विशाल अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और रोते हुए नजर आए। जी हाँ, विशाल खेसारी से माफी मांगते हुए नजर आए कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं आपको बचा सकता था लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट। खेसारी उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चुप हो जाओ, अच्छे से खेलो और बढ़िया खेलो। खेसारी सभी घर वालों से मिलते हैं। इस दौरान शहनाज काफी दुखी होती है, वो भी रोती हुई नजर आती है, लेकिन फिर खेसारी सभी घर वालों से मिलने के बाद चले जाते हैं घर से बाहर और फिर विशाल उनके जाने के बाद भी काफी देर तक रोते हुए नजर आते हैं। इस दौरान विशाल फूट फूट कर रोते हुए नजर आते हैं तो वहीं उनकी दोस्त आरती उन्हें संभालती हुई दिखती है। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।